भीतर श्री फरमा है, मैंने आपको नात के लिए सदा देनी है। ग्रामी कदर क्योंकि टाइम इंतहाई कलील है, भाई वकास का जिसना और जिसना इंतजामिया का हुक्म है, मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को वैसे चलाने से पढ़ना तो मैंने कुछ और था, मगर भाई वकार जिक्र पंचतन करके गए हैं। मैंने दो से तीन मिनट अपनी हाजिरी पंचतन की बारगाह में लगवानी है। वो बंदा हाथ उठाए जो समझता है कि वो बचपन से लेकर आज तक पंचतन के टुकड़ों पर बना है, हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। किल्लाकारी साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि खाना काबा की तमीर की जाए, अल्लाह के घर की तमीर की जाए। जब हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के घर को बना लिया, खाना काबा को, बैतुल्लाह को, अल्लाह के घर को जब बना लिया, अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए इब्राहिम, ये जो घर तूने मेरा बनाया है इसको पाक करो, नमाज पढ़ने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के घर को पाक किया। बगर जब बारी आई नबी के घराने की, पंचतन के घराने की, अल्लाह ने किसी नबी को, अल्लाह ने किसी फरिश्ते की शजूती नहीं लगाई, लेकिन अल्लाह ने खुद इशारा फरमाया कि महबूब, हम तेरे घराने को खुद पाक करेंगे। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह का घर उतना पाक है जितनी जनाबे इब्राहिम की पाक है। मेरे नबी का घराना उतना पाक है जितने मेरे रब की पाक है। अल्लाह का घर उतना पाक है जितनी जनाब इब्राहिम की ताकत है, और मेरे नबी का घराना उतना पाक है जितनी मेरे खुदा की ताकत है। सामने ग्रामी कदर, क्योंकि ये कलाम बड़ा लंबा है, फिर इंशाल्लाह मालूम मिली, वक्त मिला तो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। मैं नातुल रसूल